Namaste, welcome to our Sree Om Screenprinting YouTube channel. पिछले वीडियो में मैं आपको स्क्रीन प्रिंटिंग का इंट्रोडक्शन दिया था. आज उस स्क्रीन प्रिंटिंग में किस तरह प्रिंटिंग करते हैं वो दिखा दूंगी. लास्ट वीडियो में मैं आपको स्क्रीन प्रिंटिंग में कौन कौन सा बाइंडर्स यूज़ करते हैं, कितने बाइंडर्स होंगे, क्या क्या कलर्स होंगे, वो सब दिखाया. आज उसमें दो बाइंडर्स के बारे में आपको बता दूंगी. ये दो बाइंडर्स है, एक खादी बाइंडर, एक वाइट बाइंडर. ये वाइट बाइंडर को लाइट कलर कॉटन्स में यूज़ करते हैं, खादी बाइंडर्स को डार्क कलर कॉटन्स में यूज़ करते हैं. दोनों बाइंडर्स को कॉटन पर ही यूज़ करना है, सिल्क पर ही नहीं. तो आज लाइट कलर कॉटन में यूज़ करने वाले वाइट बाइंडर को किस तरह यूज़ करते हैं ये दिखा दूँगी. इसको हम आज मिला के कलर के साथ और कपड़े के ऊपर प्रिंट करेंगे. जो कपड़े रखा मैंने इसके ऊपर प्रिंट करेंगे. तो स्क्रीन प्रिंटिंग में हमें और एक मुख्य चीज़ की भी ज़रूरत है, वो है टेबल. आपको एक टेबल भी चाहिए, छोटा टेबल भी चलेगा. अगर आपको एक ही टेबल है, पूरा साड़ी आ सकता है उसके ऊपर, वो तो और भी अच्छा है. नहीं तो छोटा टेबल है, साड़ी को दो तीन बार आप घुमा के प्रिंटिंग कर सकते हैं, वो भी चलेगा. लेकिन छोटा तो एक टेबल होगा तो अच्छा है. क्या है कि कुछ लोग नीचे बैठ के प्रिंटिंग करते हैं, वो तो खुद के लिए तो चलेगा, लेकिन बिजनेस करने के लिए तो टेबल बहुत ज़रूरी है. नीचे करना और प्रिंटिंग करना बहुत मुश्किल होगा. तो आज मैं ये टेबल के ऊपर एक कपड़े को रेडी किया है. सफ़ेद कपड़ा है. जो भी टेबल है उसको किस तरह रेडी करना है देखिए. टेबल के ऊपर हमको एक पुराना बेडशीट को तैयार करना पड़ेगा. बेडशीट रख के उसके बाद जो भी हमारे पास कोई पुराना कॉटन साड़ी हो उसको इस तरह रेडी करना है. देखिए, ये साड़ी भी मैंने प्रिंट किया था, 10 साल पुराना साड़ी है. साड़ी ख़राब हो गया लेकिन डिज़ाइन अभी तक है, देख रहे हैं ना. तो मैं इसका एक पीस रखा है इधर, उसके ऊपर वाइट कपड़ा डाल दिया. अभी इसके ऊपर हम प्रिंट करेंगे. तो मैं आज आपको वाइट बाइंडर किस तरह यूज़ करना है, इसको लाइट कलर कॉटन्स में प्रिंट करते हैं वो किस तरह यूज़ करना है दिखा दूँगी. इस डिज़ाइन को आज हम प्रिंट कर रहे हैं. देखिए, ये जो बाइंडर है, बाइंडर्स मिक्स करने के लिए मैं इस तरह का डब्बे का यूज़ करती हूँ. क्या है कि बाइंडर थोड़ा बच गया तो ये बाइंडर 10-15 दिन तक रहेगा, ख़राब नहीं होगा. देखिए, इसमें एक चम्मच बाइंडर लिया मैंने. इस तरह की बॉक्स हम लेंगे तो बचेगा. तो जो बाइंडर उसके ऊपर ढक्कन को रख के हम रख देंगे तो 15 दिन तक वो ख़राब नहीं होगा, फिर से यूज़ कर सकते हैं. तो एक चम्मच बाइंडर लिया मैंने. बताया बाइंडर्स के साथ एक मुख्य चीज़ है फिक्सर. एक चम्मच बाइंडर के लिए 7 ड्रॉप्स डालना है. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस 7 ड्रॉप्स फिक्सर मिलाना है. फिक्सर मिलाएंगे तो डिज़ाइन अच्छी तरह से फिक्स होगा, वॉशिंग में भी निकलेगा नहीं कपड़े से. तो ये फिक्सर मैंने मिला दिया. अब इसमें कलर मिक्स कर देंगे. देखिए, मैं मैरून कलर यूज़ करने जा रही हूँ. वाइट में मैरून अच्छा दिखेगा. तो कलर कितना मिक्स करना है हमको, शेड किस तरह आना है, डार्क आना है या लाइट आना है, उस पर डिपेंडेड है. आज मैं थोड़ा मिक्स कर दूँगी. अब 5 ड्रॉप्स मिक्स कर दिया. आप छोटे से पेपर के ऊपर लिख के रखिएगा आप जब प्रिंटिंग करते हैं, मैंने इस कितने ड्रॉप्स कलर मिक्स किया है. बाद में आपको फिर से मिक्स करने के लिए वो थोड़ा आसान लगेगा. देखिए कलर किस तरह आया है, मैरून कलर आया है. और थोड़ा डार्क हमें चाहिए तो और थोड़ा डार्क डाल सकते हैं. देखिए, पूरे 8 ड्रॉप्स मिला दिया मैंने. पूरे 10 मिला दिया, 8 नहीं 10 मिला दिया. अच्छी तरह हमें मिक्स करना है, बाइंडर नहीं रह जाए कहीं भी, वाइट वाइट ना दिखे, पूरा कलर को मिक्स करना.
देखिए मिक्स हो गया ये फिक्सर के साथ, कलर मिक्स कर दिया वाइट बाइंडर में। अब आपको प्रिंटिंग करके देखती हूँ, दिखाती हूँ। ये डिज़ाइन हम यहाँ रखते हैं, फिर स्क्रीन के ऊपर चम्मच के साथ कलर डालेंगे। अब स्क्वीज़र लेना है, ये थोड़ा छोटा डिज़ाइन है इसके लिए ये साइज़ का स्क्वीज़र चलेगा। देखिए स्क्रीन को किस तरह पकड़ना है, इस तरह स्क्रीन को पकड़ना है ऊपर से, और स्क्वीज़र को इस तरह रख के, पूरा इस तरह नहीं रखेगा, इस तरह थोड़ा बेंड करके रख के थोड़ा सा प्रेशर से नीचे ले आइए, स्क्वीज़ कीजिए। एक दो हो गया, बस इसके ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार चलेगा। अब देखते हैं किस तरह डिज़ाइन आया है, उठाइए इस तरह देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन आ गया है। फिर से करते हैं, हमको कितना दूर स्क्रीन रखना है, कितना दूर डिज़ाइन आना है। देखिए मैं यहाँ रखूँगी और ये पेस्ट को थोड़ा ऊपर ले जाइए, फिर से स्क्रीन को अच्छी तरह पकड़ के स्क्वीज़ कीजिएगा। एक दो, देखिए किस तरह आया। चाहे तो आप में आप यहाँ बीच में भी रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ रख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ रखती हूँ, फिर से एक बार थोड़ा सा पेस्ट को ऊपर ले जाइए और स्क्वीज़ कीजिए। एक दो, बस ऐसे आप प्रिंट करते जाइएगा। कितना सुंदर डिज़ाइन आया है, इस तरह के कई डिज़ाइंस आप बना सकते हैं, कोई भी पैटर्न में बना सकते हैं। ऐसे बीच में भी प्रिंट करते जा सकते हैं, बीच में कोई छोटा बूटा बना सकते हैं, सीधा डिज़ाइंस बना सकते हैं, वर्टिकल डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो वो पैटर्न्स भी मैं आगे आगे आपको दिखाती जाऊंगी। अब इस स्क्रीन को किस तरह क्लीन करना है वो दिखा दी। देखिए ये जो पेस्ट है इसको इस तरह हम स्क्वीज़र से ही उठा देंगे, जो कटोरी है उसमें डालेंगे, स्क्वीज़र से उठाना है कलर को और इसमें डालना है। फिर से इस तरह हमको उठा लेना है स्क्रीन से, इसमें डाल देना है। प्रिंटिंग होने के बाद स्क्रीन्स को बहुत अच्छी तरह क्लीन करना है, इसके लिए हमें चाहिए एक स्पॉन्ज। इस तरह पानी लीजिए, पानी में स्पॉन्ज को या कपड़े को निचोड़ के देखिए इस तरह कलर को क्लीन कीजिए, पीछे भी ऐसे दो तीन बार आप सफाई करना है। अब देख रहे हैं ना पूरा निकल गया कलर, यहाँ साइड्स का भी निकाल दीजिए। ये बहुत पुराना स्क्रीन है, 10 साल से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन देखिए थोड़ा भी खराब नहीं हुआ। हम जिस तरह केयरफुल से काम करते हैं उस तरह चीज़ें भी बहुत ज़्यादा लाइफ आएंगे। मैंने पूरा क्लीन कर दिया, अब इसको साइड में रख दीजिए। अब एक ड्राई कपड़ा लीजिए, कपड़े साफ़ होना चाहिए, जो इसको क्लीन करते हैं स्क्रीन्स को साफ कपड़ा होना चाहिए। देखिए पूरा साफ हो गया। अब ये डिज़ाइन जो है आप प्रिंटिंग करने के बाद
लाइट के सामने रख के ऐसा देखेंगे तो ये पूरा डिज़ाइन ट्रांसपेरेंट दिखना है। ये डिज़ाइन के बीच बीच में कहीं भी कलर चिपक गया तो आपको पूरा दिखेगा, तब आप साफ कीजिए। पूरा ट्रांसपेरेंट हो तब डिज़ाइन काम आएगा, नहीं तो वो ब्लॉक हो जाएगा डिज़ाइन कलर के साथ। कलर कभी बीच बीच में होगा तो डिज़ाइन ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए आप सावधान रहिए। अब ये स्क्रीन पूरी तरह क्लीन हो गया। अब ये डिज़ाइन को आप नज़दीक से देखिए, दिखाती हूँ मैं। अब देख रहे हैं ना आप, ये डिज़ाइन कितना सुंदर दिख रहा है। अभी हमने वाइट बाइंडर के साथ प्रिंट किया, अब देख सकते हैं नज़दीक से। ऐसे ही कई डिज़ाइंस आप साड़ियों के ऊपर कर सकते हैं। इतना नज़दीक नहीं चाहिए तो थोड़ा दूर दूर भी कर सकते हैं। इसके बीच में कुछ और डिज़ाइन भी आप प्रिंट कर सकते हैं अपनी ओन आइडिया से। किस तरह आपको प्रिंट करना चाहते हैं आप अपने ओन आइडिया से प्रिंट कर सकते हैं। बाहर नेचुरल लाइटिंग में और भी सुंदर दिखेगा। तो ये सब मटेरियल्स जो भी आपको चाहिए, ये वीडियो के लास्ट में हम आपको एक नंबर देते हैं, उस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा। ओके, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।